जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। हनुमान जी के साबर मंत्र बड़े दुर्लभ होते जा रहे हैं, लेकिन अगर आप साबर मंत्रों के इतिहास में जाइएगा और साबर मंत्रों के बारे में पढ़ना शुरू कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हनुमान जी की साधना बहुत अनिवार्य है तंत्र के लिए। और मतलब एक मेजर परसेंटेज जो साबर मंत्र का है वो हनुमान जी के नाम पर है। आज मैं आपको हनुमान जी का एक साबर मंत्र बताऊंगा जो कि ऐसे तो मंत्रों में सबसे शक्तिशाली कवच है और हनुमान जी के मंत्रों में भी सबसे शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र की साधना विधि, इस मंत्र की उत्पत्ति सब मैं आपके सामने रखूंगा। इस मंत्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये आप रोज सिर्फ 7 बार जपेंगे और आप पर किसी भी प्रकार का काला जादू, भूत प्रेत या किसी भी तरीके का साया या फिर डिप्रेशन आप पर हावी नहीं हो पाएगा। सैकड़ों सालों से इस साबर मंत्र का प्रयोग किया जा रहा है। देखो, साबर मंत्र के कई प्रकार होते हैं, यह मैंने आपको पहले भी बताया। जैसे प्रबल साबर मंत्र में क्या होता है कि काम सब होता है लेकिन इसमें प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, ठीक है। बराटी होता है, बराटी जैसे कानिफनाथी बराटी का प्रयोग करते हैं जिसमें कि भेंट सब ना दे करके बलपूर्वक देवताओं से काम करवाया जाता है। अड़ैया होता है, ठीक है, जिसमें प्रत्यक्षीकरण बहुत जल्दी होता है। डार होता है जिसमें मसान वसान की साधना होती है, वैसे ही बरभर साबर मंत्र होता है। बरभर साबर मंत्र क्या होता है, इसमें देवताओं के साथ सौदा होता है, ठीक है। ये बड़ा मतलब वो बोलता है एकदम टाइट भाषा में देवताओं को बोला जाता है कि तुम मेरा ये काम करो, ठीक है। बरभर या फिर बरभरी जो मंत्र होता है उसका पहचान क्या है, आप कैसे जानोगे कि आप जो मंत्र कर रहे हो वो बरभरी है, तो इसके 3 भाग होते हैं इस तरह के मंत्रों के। पहला भाग होता है पूरक। पूरक का मतलब हुआ शुरुआत में उसमें लगा रहेगा ओम नमो आदेश, गुरु जी को आदेश, ये अगर लगा हुआ तो बरभर मंत्र। दूसरा कुंभक होता है, कुंभक मतलब उस मंत्र का मूल भाग जिसमें मंत्र चलता है। और अंतिम भाग होता है रेचक। रेचक जैसे गुरु की शक्ति, मेरी भक्ति, फूलो मंत्र, ईश्वर वाचा, ये खुले मंत्र, ईश्वर वाचा, अलग अलग जगह अलग अलग प्रयोग होता है। तो जिस मंत्र में ये 3 भाग है आप समझ लो कि आप अब सौदा कर रहे हो देवता के साथ। आज जो हम मंत्र करेंगे वो बरभरी में साबर मंत्र है। बरभरी में साबर मंत्र जो कि हनुमान जी से रक्षा का सौदा के लिए होता है। पहले मैं आपको बताता हूं कि ये साबर मंत्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, इसको सीधे प्रयोग किया जाता है। 90% साबर मंत्र को सिद्ध नहीं करना होता है, क्योंकि आप देखोगे कि मंत्रों में लिखा रहता है ईश्वर वाचो, तो जिस शब्द को ईश्वर ने खुद कह दिया उस शब्द को आपको फिर से सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन किसी भी मंत्र को प्रयोग करने से पहले 10 दिन की सिद्धि का प्रयोजन या फिर 21 दिन की सिद्धि का प्रयोजन इसलिए होता है क्योंकि सिद्धि का दूसरा अर्थ होता है, अच्छा पहला बता देता हूँ, सिद्धि का पहला अर्थ ये होता है कि आप के कहने पे वो मंत्र चले, ठीक है। तो मंत्र कैसे चले, वही पुरानी कहानी, यंत्र बनाएंगे, मंत्र बोलेंगे, मंत्र के वाइब्रेशन से यंत्र में हरकतें होंगी और तंत्र चलेगा। तो वो जो वाइब्रेशन हमको प्रोड्यूस करना है जिससे कि वो मंत्र उस यंत्र को चला दे, उस वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करने के लिए शब्द जो है वो सही आपके मुख से निकलना चाहिए। और वो मुख से शब्द सही कब निकलता है, जब आप उसको बोलने में परफेक्ट होते हो, और उसी परफेक्शन को सिद्धि कहते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए उसको इतना बार जपे। जब आप उतना बार जपते हैं तो आपकी जीभ साफ हो जाती है उस मंत्र को बोलने के लिए और आप बिल्कुल ही जो उसका करेक्ट वाइब्रेशन है उसमें बोल सकते हैं। देखो, साबर मंत्र का एक अपना प्रभाव है, हर राशि का
एक अपना साबर मंत्र होता है। आप सिर्फ अपने साबर का बीज मंत्र के साथ अगर अपने जो भी आपका काम है उसको सामने रख करके जाप करते हैं तो आपकी जो साधना है वो संपूर्ण होगी और आपका काम भी होगा, लेकिन ये सिर्फ आपके लिए होगा, ये आप किसी और के लिए नहीं कर सकते। तो एक बार राशि और साबर मंत्र पे मैं एक वीडियो डालूंगा। अभी हनुमान जी का वो मंत्र मैं आपको बताता हूँ जो कि 7 बार पढ़ने से रोज आपके ऊपर किसी भी अभिचारिक कर्म, किसी भी प्रेत, किसी भी भूत या किसी भी तरीके का किसी भी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव, नेगेटिव थॉट का प्रभाव नहीं रहेगा। आप घर में इसका जाप करोगे आपका घर क्लियर हो जाएगा, किसी के ऊपर प्रेत बाधा होगी तो वो दूर हो जाएगा अगर इसको 3 बार पढ़ के फूंक दोगे। मंत्र सुनना, मंत्र लिख देता हूं इस बार डिस्क्रिप्शन में क्योंकि लंबा मंत्र है और ध्यान से सुनना। ओम नमो आदेश गुरु की शिवाय 4 चक्र हनुमंत वीर, 12 चक्र नारसिंह वीर, 2 चक्र आज्ञा बेताल, मुख बंगले हिंगलाज पीठ, 5 छत्र छत्रपाल मस्तकी, चंद्र सूर्य सारथी, जो कोई हमें मार मार करता सो हमरे डावे पाव पड़ता, भूत पतित दुष्ट मूट बंद ताप तिजारी टोना टोना चेटा चेटी, जो कोई हमें करे उसकी उस पर पड़े, उलट थी पलट काया गोरक्ष कहे इस पिंड का रक्ष, पालवीर हनुमंत राखे मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फूरो मंत्र ईश्वर वाचा। ये मंत्र मैंने आपके लिए पढ़ दिया है, इसमें थोड़ी सी त्रुटि करके मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उस त्रुटि को हटा करके और पढ़ना, लिखना त्रुटि वाला, क्योंकि मंत्र कभी भी पूरा सही नहीं लिखा जाता है। अगर आपको उसका विधि नहीं पता है तो वो अगर कोई नासमझी में पढ़ ले तो उसको दुष्परिणाम झेलना पड़ सकता है। इस मंत्र को सिद्ध करना है अगर, तो जैसे मैंने बताया कि सिद्धि जरूरी नहीं है क्योंकि ये ईश्वर के मुख से निकला हुआ है, लेकिन फिर भी परफेक्ट होने के लिए आपको जो हमारा एक वीडियो है मसानी हनुमान का जिसमें मंत्र मरकट मरकटाय स्वाहा है, बिल्कुल उसी विधि से इस मंत्र को सिद्ध करना है, लेकिन उसमें जाप ज़्यादा था। इसमें आप एक माला करोगे और 1 सप्ताह में नहीं 3 सप्ताह में 3 बार जाओगे और एक एक माला करोगे उसी विधान से, तो आपका जो है ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। रोज सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके 7 बार इस मंत्र का जाप करना, लंबा मंत्र 7 बार जाप करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनका आपके घर में प्रवेश नहीं होना चाहिए तो 7 बार पढ़ के सब दिशाओं में फूंक देना। जिस कमरे में लगे ज़्यादा शक्ति का दुष्प्रभाव है 3 बार पढ़ के उस जगह पर फूंक देना। किसी पर ऐसा लगे भूत या प्रेत की बाधा है तो 2 लौंग लेना, उसके 1 लौंग को अपने राइट हैंड में पकड़ लेना और उसके त्रिनेत्र पर सटाना, 2 लौंग को अपने दूसरे हाथ में रखना। इस मंत्र को मन में 7 बार पढ़ना, उसके बाद उस पर 3 फूंक मारना दूसरे वाले लौंग पर, और 1 लौंग उसके मस्तिष्क पे सटा हुआ है दूसरे लौंग से 7 बार उसके सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना और उसके बाद उस दोनों लौंग को जला देना, तो उसके ऊपर कोई भी अगर अभिचारिक प्रयोग हुआ होगा वो खत्म हो जाएगा। इस मंत्र का दूसरे से ज़्यादा खुद के लिए प्रयोग करना। जिसको ऐसा लगता है कि शरीर में कोई आत्मा आपके प्रवेश कर रही है, कोई आत्मा आपके आसपास है, जिसको लगता है कि उनके घर उनके व्यापार पर काला जादू का प्रभाव है, तो ये एक मंत्र है, इसके बाद आपको किसी दूसरे मंत्र की ज़रूरत नहीं होगी अपना हर विषय को ठीक करने के लिए। आज के लिए इतना ही। श्री रामचंद्र और बजरंग बली आप सभी की रक्षा करें, आप लोगों को काफ़ी उन्नति दे और विद्या दे। बजरंग बली विद्या के भी बहुत बड़े दाता हैं, तो विद्या के दृष्टिकोण से भी आप इनके मंत्र को कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया था मरकट मरकटाय स्वाहा वाले विधि से इस मंत्र को आप लोग सिद्ध करें। जिनको साधना का जो बेसिक मंत्र होता है जैसे आसन बंधन भैरव ये सब साधना उनको सीखनी है वो मेरे पेड बेसिक ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9 4 2 1 8 8 5
8585। जिनको मुझसे अपॉइंटमेंट लेना है वो मेरा वेबसाइट है www.aghortantrahasya.xyz, उस पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप पर जाइए, उसको इंस्टॉल कीजिए, rudranath@cm4 टाइप कीजिए, मेरा प्रोफाइल आएगा, आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप सभी को आदेश आदेश खड़ा आदेश।